हम जो है ना सर फाइनेंशियल पार्टनर हमने फाइंड आउट करनी है, यानी केडब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखी हो ना ए प्लस बी और सी प्लस बी, यानी आपके पास हमने प्रोडक्ट डाले और बी रिएक्टेंट डाले ए और बी, आपके पास प्रोडक्ट है सी एंड डी, तो आपको मैं कहता हूँ कि इसकी केस एक इक्वेशन लिखे, तो आप ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे ये रिएक्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी तरह पानी के लिए उसकी जो है ना एडिशन से रिएक्शन लिखें, पानी यूं अपने आयन में बदल गया, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, आप उसको जोड़ेंगे दोबारा मुड़ के पानी आ जाए। और अगर आप इसके लिए KC की क्वेश्चन लिखें तो क्या लिखेंगे आप, KC इज इक्वल टू लिखोगे। अब देखें ये आप उस OH नेगेटिव आ गया, ये आप H पॉजिटिव आ गया और ये नीचे बता रिएक्टेंट आ गया। अब जब ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हम ये कांस्टेंट है केसी, पानी भी कांस्टेंट है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है, इसको हरा के ना एक नया कांस्टेंट लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केडब्ल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, के डब्ल्यू आ, यानी के डब्ल्यू किसके बराबर आ गया, ओ एच नेगेटिव और एच फोर, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखें हमें ये बात पता है कि पानी ना, पानी जो है वो एम्फोटेरिक कंपाउंड है, पानी एम्फोटेरिक कंपाउंड है, पानी जितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है ना, ठीक है, जितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है उतने ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, यानी आप कह सकते हैं सर कंसंट्रेशन जो है ना वो एच नेगेटिव की और एच पॉजिटिव की हमेशा क्या होती है उसमें बराबर होती है, ठीक है। उसको अगर मैं कहूँ इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन में मैं हाइड्रोक्सिल आयन की जगह भी हाइड्रोजन आयन लिख दूँ, तो सो अवर equation 1 becomes KW is equal to OH negative की जगह भी, यानी hydroxyl ion की जगह भी क्या आ जाएगा, ये वाला hydrogen ion आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है और यहाँ पे है hydrogen ion, ये होगी आपके पास equation 2। अब KW ना हमारे पास होता है 1.0 in time power 14, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए दोनों सेम है ना माइनस टू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एच मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका स्क्वायर आ जाए, मैं तो हाइड्रोजन आयन चाहिए ना, हम क्या करते हैं तो हम तो ले लेते हैं जी अंडर रूट। अच्छा ये याद रखिएगा के डब्ल्यू जो है ना वो आपके पास 14 है, ठीक है। अच्छा ये माइनस के बराबर, तो ये थी माइनस के प्लस। अब जब आपके पास ये अंडर रूट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, इसका आधा हो जाएगा ना माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए जी, आपको हमें चाहिए पीएच, हमें पीएच निकालनी, पी आपके पास होता है ना छोटा पी माइनस लॉन्ग, ठीक है, आप इसको यू लिख लें, सिर्फ आप एच ही लिख लें, ठीक हो गया। अब हम देते हैं दोनों तरफ पी इज इक्वल टू माइनस लॉन्ग, यानी ये पी का मतलब माइनस लॉन्ग होता है, सही है, बोथ साइड्स, इस तरफ आपका सिर्फ पीएच लिखा गया, इस तरफ माइनस लॉग, ठीक है। अब ये क्या शेप बन जाएगी आपके पास, अब इसको मल्टीप्लाई, आपको पता है ना लॉग की प्रॉपर्टी की, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने लॉग में लिखे तो
किस में लिखी जाती है, प्लस में, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है ना, वो प्लस, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी माइनस लॉग 1.0 माइनस लॉग 10^-7 लॉग 1 0 होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, 0, और ये वाली जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, ये शुरू में आएगी क्या हो जाएगी, प्लस 7 हो जाएगी ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो पीएच किसके बराबर आ गया आपके पास, लॉग 10^1 होता है, तो सिर्फ क्या आ गया, 7। अब पानी एक न्यूट्रल कंपाउंड है, हमें ये बात पता है कि किसी भी शहर की पीएच 7 आए, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या एक न्यूट्रल कंपाउंड है, कि पानी की पीएच क्या आ रही है। पानी के अगर आप पी वाइज निकालेंगे वो भी 7 ही आएगा, सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे जब हमने एच प्लस वो हाइड्रोक्सिल आयन की जगह हाइड्रोजन इनपुट किए था ना, यहाँ आप क्या करें, इसकी जगह ना, बल्कि इसकी जगह ओ एच इनपुट कर दें, यहाँ पे ओ एच का स्केयर हो जाएगा, बाकी सारी बातें वही है, एच की जगह ओ एच कर दे, ठीक है। बस ये हमने सल्फोनेशन से हमने पानी का पी एच पा, सही है। थैंक यू सो मच।